या या सुमित्रा, मैं तो तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस से बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ एंड आई लव द ज्वेलरी यू वेयर। या नहीं, तुम्हारे डिजाइनर के पास तो जाना ही पड़ेगा। या या हाँ बाबा, बता दूंगी कि सुमित्रा की फ्रेंड हूँ मैं। या नहीं नहीं बहुत जल्दी मिलेंगे, वी मीट अप सून, बाय, सी यू। मॉम, ये क्या था? ये सुमित्रा बहुत इम्प्रेस लगती है आप इनसे, वरना आप और किसी की फजूल में तारीफ करें That's a rarity, mom. ये है कौन सुमित्रा? आपकी नई फ्रेंड है क्या? ये फ्रेंड तो नहीं नहीं, हाँ, उससे फ्रेंडशिप बढ़ाने का तरीका कुछ नया है। लेकिन तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, काम की बात कभी नहीं समझते। कई बार दोस्ती बढ़ाने के बहुत फायदे हो सकते हैं, और सबसे अच्छा फायदा ये है कि किसी पर फेवर्स करो, उसके बहुत करीब आ जाओ एंड जस्ट आस्क देम टू रिटर्न द फेवर। इसे गुड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसका फायदा आज नहीं तो कल जरूर होगा। गॉट इट? हाँ, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जानती हैं। मेरी बातें अगर तुम सुनोगे, समझोगे और सीखोगे तो जिंदगी में तुम्हें आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। I guess so. See you, mom. Bye. Yeah, bye. मैंने खास नए कपड़े सिलवाए थे और ये देखिए खुशी कितनी क्यूट लग रही है ना मम्मा। सो क्यूट बेटे, ये खुशी कर क्या रही है इसमें? ये हाँ, वो मैं पूजा कर रही थी ना, हर साल मैं अपनी बेटियों के नाम का सिक्का रखती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला खुशी ने कब वो सिक्का उठा लिया। खुशी ने उठा लिया जी, वो मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। अरे अरे आप परेशान ना हो, ये सिक्का मैंने अपनी बेटी के नाम से ही रखा था ना, खुशी भी तो मेरी बच्ची जैसी ही है, बल्कि मुझे अच्छा लगा था उसने उठाया था। तो मेरी इस नीलू को ना जबरदस्ती पूजा में बिठाना पड़ता है, पर खुशी को देखो इतनी छोटी है पर पूरे भक्ति भाव के साथ पूरी पूजा में मेरे साथ बैठी रही। मेरी मुस्कान भी ऐसी ही थी, पूजा किए बगैर घर से बाहर कदम ही नहीं रखती थी। वो जब छोटी थी ना तो हम उसे काली माँ के मंदिर ले गए थे। बचपन से ही काली माँ की भक्त थी, खुशी की उम्र की ही होगी, उसे पूरा काली मंत्र याद था। क्या बताऊ नाना जी, काली मंत्र के श्लोक का इतना स्पष्ट उच्चारण करती थी कि हम सब हैरान रह जाते थे। मुस्कान का नामकरण भी हमने ज्वाला जी में ही किया था, तब से मानो मुस्कान जैसे काली माँ की भगत ही हो गई हो। शवारूढ़ा महाभीमा घोर धष्टांग हसन मुखिम चतुर्भुजांग खंग मुंड वरा भयंकरा शिवांग। क्या सोच रहे हो दीवान? आज जो कुछ भी देखा और सुना, क्या उसके बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि खुशी में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो हमें बार बार हैरान और परेशान कर रहा है? दीवान, क्या तुम अब भी यही समझते हो कि खुशी आम बच्चों की तरह है और वो सिर्फ वृंदा की बेटी और तुम्हारी नातिन है, या वो कुछ और भी है? एक आत्मा जो आज भी अपने पिछले जन्म की बातों से जुड़ी हुई है और जिसने खुशी के रूप में वृंदा की कोख से जन्म लिया है। परीक्षित, प्लीज बार बार ऐसी बातें मत करो मुझसे। क्यों ना करूं ऐसी बातें? और फिर इसमें डरने की क्या बात है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी संस्कृति में है, हमारी गीता में लिखा है कि शरीर मरता है आत्मा नहीं, आत्मा तो पुनर्जन्म लेती है, नया शरीर धारण करती है। आत्मा का यह सफर तो निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है। मोक्ष तो बस किसी किसी को ही प्राप्त होती है, लेकिन दीवान खुशी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जिन्हें उनके पिछले जन्म की यादें अतीत से बांधे रखती हैं। और आजकल तो मुझे लग रहा है कि खुशी के पिछले जन्म की यादें उसे अपनी ओर कुछ ज्यादा ही खींच रही हैं।
परीक्षित मैं समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। क्योंकि तुम सच्चाई को मानना नहीं चाहते हो दीवान। लेकिन हम सच्चाई को झुठला भी नहीं सकते हैं। क्या क्या झुठलाओगे तुम? क्या क्या झुठलाओगे? क्या खुशी का वो काली माँ का स्केच बनाना झुठलाओगे? या काली पूजा के दिन उसका काली माँ के मंत्र का शुद्ध उच्चारण झुठलाओगे? और या घर में काली माँ की मूर्ति की स्थापना झुठलाओगे? तुम्हें याद है शालिनी जी ने क्या कहा था कि मुस्कान भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी। 6 साल पहले मुस्कान का इस दुनिया से जाना और ठीक 5 साल पहले खुशी का इस दुनिया में आना। दीवान, इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जैसे वो उलझे हुए धागे अब कुछ सुलझ रहे हैं? हाँ, शायद सिवाय एक उलझन के जो मुझे अभी भी सता रही है। जी, आज कोई बच्ची पैदा हुई है? ये मिस्टर और मिसेस मेहरा का घर है ना? वो एक अनजान शख्स जो खुशी के जन्म के कुछ देर पहले ही हमारे दरवाजे पर आया था, खुशी के जन्म के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे उसे खुशी के जन्म से पहले ही उसकी इस दुनिया में आने की खबर मिल चुकी थी। उसका खुशी के जन्म से क्या संबंध था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चिंता का विषय सिर्फ ये नहीं कि खुशी को अपना पिछला जन्म याद है, चिंता का विषय यह है कि खुशी के इस जन्म के पीछे कोई राज है, कोई रहस्य है जिसे कोई और भी जानता है। मैं जानता हूं दीवान कि तुम्हें खुशी की बहुत चिंता रहती है। अपने बच्चों की चिंता किसे नहीं होती है। लेकिन खाली चिंता करने से कुछ नहीं होगा दीवान। हम अपने आप को परेशान करके खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, उसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हमें चिंता के अलावा कुछ और करना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी। किसकी है? कोई, और हमें यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बस हमें खुशी को उनके पास ले जाना होगा। नहीं परीक्षित, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। और आइंदा कभी हम खुशी के इस जन्म और पिछले जन्म की बातें करेंगे। अरे कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा इस बात को महत्व दे रहे हैं और इसीलिए हम इसमें और गहरे धंसते जा रहे हैं, हम भी और खुशी भी। लेकिन एक बार मिलने में क्या हर्ज है दीवान? नहीं परीक्षित, मैं खुशी को कहीं नहीं लेके जाऊंगा, और किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के पास जिसको मैं जानता नहीं हूं नहीं मिलवाऊंगा उससे। तुम्हें याद है पिछली बार हम खुशी को काली माँ के मंदिर लेके गए थे ये देखने के लिए कि खुशी को क्या क्या याद आता है, क्या क्या याद हो सकता है। अंजाम क्या हुआ? बेचारी बेहोश हो गई और घर पे आके हमें विंदा की गालियां खानी पड़ी। सो अलग परीक्षित, मैंने कहीं पढ़ा है कि कुछ बच्चों को एक उम्र तक पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं पिछले जन्म की बातें भूलते जाते हैं। नहीं दीवान, इस बात को इतनी आसानी से मत लो। जरा सोचो, अगर खुशी अपने पिछले जन्म की बातों को नहीं भूल सकी तो क्या होगा? उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, वो बटकर रह जाएगी। ये बताओ कि वो अपनी असली मां किसको समझेगी, वृंदा को या शालिनी जी को? और क्या तुम और वृंदा चैन से जी पाओगे ये जानते हुए कि तुम्हारी बच्ची की आत्मा 2 भागों में विभाजित है? देखो दीवान, जब जिंदगी में बहुत से सवाल ऐसे हो जाएं कि जिनके जवाब हमें न मिले तो जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह जाती है। आज जिन सवालों को जवाब ढूंढने में तुम हिचकिचा रहे हो, कल यही सवाल तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएंगे। देखो दीवान, खुशी की चिंता तो मुझे है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चिंता मुझे तुम्हारी है, तुम्हारी।
परीक्षित ठीक ही कह रहा था। मैं इस बात को वाकई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब मेरी नजरों ने खुशी में उसके पिछले जन्म की झलक देख ही ली है तो मुझे खुशी की मदद करनी ही चाहिए, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल डरता है, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने देखा है वो उसे सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है, वो सच्चाई जो शायद वो इंसान जानता है जो खुशी के जन्म से पहले ही खुशी के जन्म के बारे में जानता था। मगर मुश्किल तो यह है कि मैं उस शख्स को नहीं जानता। पता नहीं वो कौन था, कहां से आया था और इस वक्त कहां होगा। उसका खुशी के साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है, मगर क्या खुशी और उस इंसान की राहें एक दूसरे के साथ कभी उलझी हैं? और अगर कहीं उन्हीं उलझी हुई राहों में फिर से खुशी और वो मिल गए तो क्या होगा? आकाश, उस वक्त तो ऐसा लगा था जैसे कुछ पल के लिए बुरा वक्त आया है, टल जाएगा। बहुत परेशानी की घड़ी थी, मगर अब उस बारे में सोचो या उसका मतलब निकालने लगो तो ऐसा लगता है जैसे कि गठबंधन का खुलना दुर्गा और मेरे बीच आने वाली दूरियों का संकेत था। आर्यन यार, मुझे लगता है तुम छोटी सी बात का बहुत ज्यादा बड़ा मतलब निकाल रहे हो। आकाश, हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये क्या है? क्यों कर रही है दुर्गा ये सब? क्यों? आकाश, रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे कमजोर होने में कितना वक्त लगता है। उसके विश्वास की नींव एक छोटे से झूठ से भी हिल सकती है, बस एक झूठ। झूठ? पापा, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अरे बेटा, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो? अरे झूठ तो ये डॉक्टर बोलते हैं। अब देखो ना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि डॉक्टर के दिमाग में चल क्या रहा है। आर्यन भी यहाँ आया था, मैंने उससे भी इन लोगों की शिकायत की। आर्यन यहाँ आया था? हाँ बेटा, आर्यन आया था। मैंने उसे कहा भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ये लोग बहुत जल्दी मुझे डिस्चार्ज करने वाले थे। पता नहीं अचानक इन लोगों ने अपना फैसला क्यों बदल लिया। तो आर्यन ने क्या कहा? बेटा, आर्यन को भी थोड़ा बुरा लगा। कह रहा था कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर की बात को नहीं समझते और कुछ डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट्स को नहीं समझते और कुछ पेशेंट्स के रिश्तेदार होते हैं वो डॉक्टरों की बातों को ही नहीं समझते हैं। बेटा सच बताऊं, मुझे आर्यन की बातें कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो कुछ परेशान सा था, फिर अचानक उठा और चला गया। आर्यन को पता चल गया? ओह गॉड, अब आर्यन मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। आकाश, मुझे पूरा यकीन है कि दुर्गा की चाहत मेरे लिए खत्म हो गई है। नहीं यार आर्यन, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है आकाश, इनफैक्ट ऐसा ही हो रहा है। देखो यार, अगर दुर्गा को यही सब करना होता तो फिर वो तुमसे शादी क्यों करती? पता नहीं आकाश, शायद उसे दया आ गई हो बेचारे आर्यन पर। शायद उसने सोचा हो कि ऐसा करके वो एक महान काम कर रही है, लेकिन बाद में जब उसे पछतावा होने लगा तो मुझसे दूर चले गई। आर्यन यार, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन लेकिन पर वाई हाउ क्यों? आकाश, ये सब सवाल बार बार उठते हैं मेरे मन में, लेकिन इनके जवाब नहीं मिलते मुझे। बार बार मेरा दिल मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों? कैसे समझाऊं अपने दिल को आकाश, कैसे समझाऊं? गुरु माँ की बातों में कितनी सच्चाई है। सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है जैसे गुरु माँ ने कहा था। यह कहने के बावजूद कि वो आर्यन और दुर्गा को आकाश के फार्म हाउस पर जाने से रोक नहीं पाएंगी, रोक लिया।
ये गुरु माँ की शक्ति का ही तो कमाल है, नहीं तो और किसने किया होगा ये मुश्किल काम? नहीं नहीं वाई नॉट, जस्ट कॉल मी। ओके ओके बाय। विशु किसका फोन था? आदित्य राज सिंह का, मुझे फिर से पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। रियली? विशु लगता है आदित्य बहुत ही सीरियस है तुम्हारे साथ बिजनेस करने के मामले में, और तुम खुश लगने के बजाय इतने टेंस क्यों लग रहे हो? पार्टनरशिप का मतलब समझती हो रेवती, हमें भी अपने हिस्से का पैसा लगाना पड़ेगा। तो तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाते हो? इशू ना बनाऊं तो क्या करूं, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो सब मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं, मेरे पास पैसा है कहां। अननेसेसरीली टेंशन लेते हो बिना किसी वजह के। ये लो संक्रांति के लड्डू बनाए हैं तुम्हारे लिए, खा लो। प्लीज रीति। विशु मुंह मीठा कर लो ना, इंतजाम हो जाएगा बाबा। रेवती अगर तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं तुम्हारे पापा से पैसे लूं, then just forget it। इस बार मैं उनसे पैसा नहीं लूंगा। विशु ऐसे ही नाराज हो जाते हैं, इस बार हम पैसे लेंगे लेकिन मेरे डैडी से नहीं, आपके बाबूजी से। अगर खुशी अपने पिछले जन्म की बातों को नहीं भूल सकी तो क्या होगा? उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, वो पट कर रह जाएगी। वो अपनी असली मां किसको समझेगी, वृंदा को या शालिनी जी को? और क्या तुम और वृंदा चैन से जी पाओगे ये जानते हुए कि तुम्हारी बच्ची की आत्मा दो भागों में विभाजित है? परीक्षित ठीक कह रहा था, खुशी अपने पिछले जन्म की तरफ दिन ब दिन खिसती ही चली जा रही है। मुझे किसी भी तरह अपनी बच्ची खुशी की मदद करनी ही चाहिए, मगर कैसे? कौन है वो जो मेरी मदद कर सकता है, मुझे रास्ता दिखा सकता है? हाँ शायद बस वही है, वही एक है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ।